नमस्कार, प्रणाम, हार महादेव। मैं प्रेमजीत आपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं आया हूं कोई घूमने के लिए, तो गुजरात पार्क में एक मतलब गुजरात में राम वन पड़ता है, तो वहां पे आया हूं दोस्तों। देख सकते हैं इस तरह का कुछ है नज़ारा, तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, दिखाते हैं किस तरह नज़ारा है। और काफ़ी लोग हम लोग घूमने आए हैं, कितने लोग हैं। और हमारे पास में नंदलाल सर हैं और चंदाराम सर भी मतलब हैं, तीनों लोग अभी ऑफिशियल जो चैनल चला रहे हैं, तो सभी लोग हैं साथ में और घूम रहे हैं। और फिर देखते हैं कि मतलब कौन कौन सा एंजॉय करते हैं। एंजॉय तो करने वाले हैं दोस्तों। और इस पार्क का नाम है रामवन, तो दोस्तों रामवन नाम है इसका। और काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। और हम बनाएंगे बहुत सारा शॉर्ट वीडियो भी, और तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस नज़ारा है भगवान का, जो भरत और राम मिल रहे हैं। और नज़ारा ही अजीब तरीके सा है, मिलान उलान भी है। तो ये भरत मिलान का मतलब यहाँ पे कुछ स्थान बैठे हैं, तो यहाँ पे भरत जी और राम जी मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो स्किप ना करें और फुल वीडियो देखें और इन्जॉय लें। तो यहाँ कुछ मतलब इन्जॉय वाली बात आ गई। और पहला नंबर मैं आपको बता दूँ कि मतलब यहाँ पे श्री रामचंद्र और मतलब लाए हैं, पिला रहे थे, तो तब का यहाँ का नज़ारा है दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का मतलब यहाँ पे नज़ारा है। तो चल रहे हैं, हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे श्री राम जी का मतलब पादुका रखा है। और देखते हैं क्या 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 है, तो बने रहे वीडियो में। और दोस्तों घूमते घूमते मैं कुछ ऐसे जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मामा मृग, जो मारी मृग था, वो यहीं पे मतलब ये दोस्तों आया था। और देख सकते हैं यहाँ पे मृग है और सीताराम जी बैठे हैं और राम जी बोल रहे हैं, मतलब सीता जी बोल रही थी कि मतलब मारने के लिए जाओ, तो यही मृग है। और ये सीता राम जी मतलब बैठे हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर हैं, तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। और बने रहिए वीडियो में, खूब मतलब इतना इन्जॉय करेंगे और इतना मतलब दिखाएँगे आप सभी को कि किस तरह राम पूरा रामायण का जो मतलब होता है पूरा का पूरा यहाँ पर नज़ारा दिखाया जाएगा आपको। तो वीडियो स्किप ना करें और फुल वीडियो जरूर। हम एक बेस्ट मतलब एक नीम का पेड़ है, तो यहाँ पे मतलब हम लोग थोड़ा आराम करने के रुके हैं, और हमको घूमते घूमते एक दो घंटा हो गया दोस्तों, तो इसलिए हम लोग थक भी गए हैं। और यहाँ पे सभी लोग बैठ गए हैं, नंदलाल सर बैठे हैं, कुछ सेल्फी ले रहे हैं, और हमारे बड़े भाई हैं जो महेश भाई हैं, और हमारे साथ में हमारे मामा जी रहते हैं जो कमल जी, इनका नाम है। और हम भी बैठने जा रहे हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं तीनों लोग हैं और सेल्फी ले रहे हैं सर जी। और दोस्तों सेल्फी ले लिए हैं, और हम भी कुछ सेल्फी वेल्फी लेंगे, लेकिन इंजॉय करते रहेंगे फिर।